अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन की एक मज़ेदार रेसिपी, ढाबा स्टाइल मटन मसाला की रेसिपी। ढाबा स्टाइल मटन मसाला घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत आसानी से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। स्टाइल मटन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मटन को लिया है। मटन को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। मटन में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और 1 कप पानी डालकर लिड लगाकर अच्छे से मटन को हमारे गला लेंगे। पहले हाई फ्लेम पे 1 विसल आने देंगे, सॉफ्ट होना चाहिए मटन हमारा, तब तक हम इसे गला लेंगे। बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लेंगे ताकि हमारा मटन जले नहीं, क्योंकि हर एक मटन अलग अलग क्वालिटी का होता है। कोई मटन 2 ही विसल में गल जाता है, कोई 3-4 विसल में गलता है। आपके मटन की क्वालिटी कैसे है उस पर आप मटन गलने तक इसे प्रेशर कुक कर लें। मटन गलने तक हमें मटन का एक मसाला बना लेना है। यहाँ पर मैंने 10 बादाम स्पून धनिया, 1 टीस्पून खसखस, 8-10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ को लिया है। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करके ये फाइन पाउडर में पीस लेंगे। भून लिया है, अब इसे हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। मटन हमारा गल गया है, अब हम मटन को हम पैन में पका लेंगे। अब पैन में मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को डालूंगी। ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल में डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ी प्याज को लिया है। प्याज को मिक्सर जार में दरदरा से पीस लिया है, इसे अब हम पैन में डालेंगे। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है, उसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे ऑनियन के साथ। अब हम पैन में डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, तीखा पसंद हो तो ज्यादा डालें। लाल मिर्च को ऑनियन के साथ फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें हमारा गला हुआ मटन को डालेंगे। मटन को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मटन में अब हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। हरी मिर्च को और गरम मसाले को मटन में अच्छे से मिला लेंगे। अब मटन में डालेंगे 2 पिसी हुई टमाटर की प्यूरी। टमाटर को अच्छे से मिलाकर थोड़ा इसका कच्चापन निकल जाए तब तक पका लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए जो टमाटर का मॉइस्चर खत्म हो गया है, हमारा जो ऑयल इस्तेमाल किया था वो भी रिलीज हो रहा है। अब हम डालेंगे जो हमारे
साबुत मसाले, गरम मसाले, पिसे हुए मसालों का जो पाउडर बना लिया था हमने, उसे अब हम डालेंगे। मटन में मसालों का अच्छे से मिला लेंगे। पाउडर मसालों को अच्छे से मिला लिया है मटन में। अब इसमें हम हाफ कप के करीब पानी को डाल लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। मसाले हमारे हल्के से पक गए हैं। अब हम मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो कर लिया है, बिल्कुल लो कर लिया है। अब हम इसमें बीट किया हुआ हमारा दही, हाफ कप दही को मटन में डालेंगे। मिलाकर अच्छे से मिला लेंगे। अब दही को मैंने डाल लिया है मटन में, अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम हाफ कप पानी डालकर 2 से 3 मिनट तक ढककर मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखिए हमारा मटन मसाला डबल स्टेक 2 मिनट से अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे पक गया है। इसका जो ऑयल भी सरफेस पर नजर आ रहा है। अब हम पैन में डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम ऑफ करके हमारे मटन मसाले को सर्व कर लेंगे। ये देखिए मजेदार, बहुत ही बढ़िया खुशबूदार हमारा ढाबा स्टाइल मटन मसाला बनकर तैयार है। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।